हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव काजोल में। मेरे घर में दो दवाई के बोतल पड़े हुए थे तो मैं सोच रही थी कि इसे क्यों फेंकूँ, चलो इससे कुछ अच्छा बनाते हैं। मैंने ब्लेड से बोतल को कट कर लिया है, अब स्केच पेन से अंडरलाइन करते जाएंगे। हम अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी बोतल अच्छी शेप में कटिंग हो सके। अब हम ब्लेड की सहायता से बोतल को कट करते जाएंगे। ये बोतल बहुत ही हार्ड है, आप चाहे तो वाटर बोतल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम हार्ड शेप में मोड़ेंगे बोतल को। हमारे सारे बोतल हार्ड शेप में हो चुके हैं, अब हम वुलेन की मदद से फोल्ड करते जाएंगे। ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। ऐसे ही हम फोल्ड करते जाएंगे। हमारी हार्ट बन के रेडी हो गई है। अब हम सर्कल शेप में कार्डबोर्ड लेंगे, उसको भी वुलेन से कवर कर देंगे। वुलेन को फोल्ड करते जाएंगे, पूरी तरह से वुलेन से कवर कर देंगे हम कार्डबोर्ड को। ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। हमारी कार्डबोर्ड वुलेन से फोल्ड हो चुकी है। अब हम पेंसिल लेंगे फ्लावर बनाने के लिए। ये फ्लावर बहुत ही ईजी है, ऐसे ही हमें फोल्ड करना है, नीचे ट्विस्ट करना है। कैंची की मदद से वुलेन को कट कर लेंगे। अब नीचे हम खींचेंगे वुलेन को, धागा को इसमें घुसाएंगे और ऐसे खींचेंगे। हमारी फ्लावर बन के रेडी हो गई। वुलेन हार्ट को हम स्टिक कर देंगे कार्डबोर्ड में, एक एक करके स्टिक करते जाएंगे। ऐसे ही हमें स्टिक करना है, सारे हार्ट को ऐसे ही स्टिक करते जाना है। ऐसे ही स्टिक करेंगे और फ्लावर सब बनाए उसे भी स्टिक करते जाएंगे। ग्लू गन की सहायता से स्टिक करते जाएंगे सारे फ्लावर को। हमारे सारे फ्लावर स्टिक हो चुके हैं, अब मोती स्टिक करते जाएंगे एक एक करके। हमारी मोती भी स्टिक हो चुकी है। दीवार में टांगने के लिए ऊन को स्टिक कर देंगे। इधर हमारी हार्ट शेप रेडी हो गई है। नीचे झालर के लिए हम वुलेन को कार्डबोर्ड में फोल्ड करते जाएंगे और निकालेंगे। अब एक नॉट टाई कर देंगे और कैंची की मदद से काटेंगे, कट कर लेंगे वुलेन को अच्छी तरह से। हमें हार्ट शेप पॉम्पॉम बनाना है, ऐसे ही करके कट करते जाएंगे। फिर ऊपर में एक कट लगाएंगे। हार्ट शेप में लाने के लिए अच्छी तरह से पॉम्पॉम को सेव कर लेंगे कैंची की सहायता से। हमारी पॉम्पॉम सेव हो चुकी है। हमें तीन पॉम्पॉम लेना है, दो ब्लू कलर का एक पिंक कलर का। हार्ट पॉम्पॉम को हम धागा में इंसर्ट कर लेंगे और जो फ्लावर बनाए उसे भी हम धागा में इंसर्ट कर लेंगे। हमारे पास कुछ मोती पड़ी हुई थी घर में, उसे भी हम इंसर्ट कर देंगे। ऐसे ही करके हमें सारे मोती इंसर्ट कर लेने हैं धागा में। एक एक मोती इंसर्ट करते जाएंगे धागा में, ऐसे ही धीरे धीरे इंसर्ट करते जाएंगे। सारी मोती को इंसर्ट करते जाएंगे धागा में। हमारी मोती इंसर्ट हो चुकी है पॉम्पॉम में। हम हार्ट शेप बॉल हैंगिंग में एक एक झालर को स्टिक करते जाएंगे। फेविकॉल की सहायता से हम स्टिक करते जाएंगे। ऐसे ही फेविकॉल से हम एक एक स्टिक करते जाएंगे। इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना। हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए राधे राधे।